नमस्कार हेलो डीडी में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज जिस शख्सियत से हम लोग बातचीत करेंगे यानी मैं और आप मिलकर बातचीत करेंगे उस शख्सियत का व्यक्तित्व तो बहुत बहुआयामी है वो बहुत बड़े शायर हैं वो बहुत बड़े फिल्मी गीतकार हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं उनके पास अपना एक सोच है इस देश और समाज के दर्द को समझने की उनके पास अपनी दृष्टि है ऐसे व्यक्ति का नाम है निदा फाजली तो दोस्तों निरा फाजली साहब का हमें स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका निरा साहब हमारे स्टूडियो में और आज आपके माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातों पर बातचीत करना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी तो हुई हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन आपकी ज़िंदगी के साथ साथ वो समाज पर भी असर डालती रही हैं इससे पहले कि आप बात आगे बढ़ाएं आपने कहा था कुछ बातें पूछना है मुझे जानिसार अख्तर का एक शेर याद आ रहा है वो क्या है कि आशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए तो आप उनको भी सुनाइएगा और ज़माने को भी सुनाइएगा हमको चाहे आप जमाने में मान लें या उनको में कोई शो मानते हैं मुझे नहीं पता बहरहाल मैं आपके माध्यम से, से जानना ही चाहता था कि फिल्मी दुनिया से आपका बहुत लंबा रिश्ता रहा है करीब तीस चालीस साल से आप हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे हैं बहुत बड़े शायर भी हैं आप उससे पहले भी शायरी करते थे अब भी आप शायरी करते हैं तो ये फिल्मी गीत लिखना और आपकी ये शायरी जिसे हम साहित्यिक कहा करते हैं इसके बीच कैसे रिश्ता बनता है इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं विश्वनाथ जी मुझे अट्ठारह तो में गालिब याद आ रहे हैं। जब अट्ठारह सौ तो सत्तावन के बाद दिल्ली उजड़ी तो गालिब को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और पूछा कि वेल कौन हो कल मिर्जा गालिब कले योर रिलीजन कहले आधा मुसलमान कहले ये कौन सा रिलीजन है क्या होता क्यों नहीं है मैं शराब पीता हूँ और सुअर नहीं खाता तो मेरे साथ भी यही है कि मैं भी आधा गीतकार हूँ कि फ़िल्मों के लिए गीत लिखता हूँ ऑन डिमांड और अपने लिए शायरी करता हूँ प्रोज लिखता हूँ जब उन्नीस सौ अट्ठानवे में मुझे साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला तो उसमें जो पेपर पढ़ा जाता है उस पेपर का मेरा पहला जो सेंटेंस था वो ये था कि रचना चमत्कार है जिस पे मानव अधिकार नहीं है तो ये जो चमत्कार वाला मामला है जी जिसकी आप बात कर रहे थे नजर साहब और आपने एक बात कही कि आप आधे फिल्मी शायर हैं और आधे अपने लिए लिखते हैं जी वो डिमांड पर लिखा जाता है ये लोगों की जिससे अपने बीच भीतर की बात को सामने लाने के लिए लिखा जाता है तो इसके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप वो ये है कि जैसे सूरदास की राधा एक जगह कहती है कि उधा मन ना ही दस बीस एक कुतो सो गए तो श्याम सुखो आ रहा मेरा एक शेर है हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी जिसको भी देखना हो कई बार, बार देखना देखन तो है क्या कि हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन का ये पीरियड है लेकिन हमारे यहाँ इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर हैं वो नाटक भी लिखते थे म्यूजिक भी कंपोज करते थे फिलोसफिकल एसेज भी लिखते थे कविता भी लिखते थे और पेंटिंग भी करते थे, तो भी थे। हाँ तो साइंटिस्ट मेरे ख्याल से सही कहते हैं कि हम जीवन में अपने जहन को शायद ट्वेंटी फाइव परसेंट भी टैक्स नहीं करते इसमें इतनी सलाहियत है कि अगर आप उसको लगातार इस्तेमाल करते रहें तो ये कभी थकता नहीं है फिज़िकली यू बी टायर्ड लेकिन मेंटली आप कभी भी थकते नहीं हैं और मैंने अपने आप को जैसे फ़िल्मी गीत है तो फिल्मी गीत जैसे आप जानते हैं कि कई मरहलों से गुजरता है एक डायरेक्टर की अपनी पसंद होती है फिर कंपोज़र का अपना कंपोजिशन होता है फिर कहानी की एक सिचुएशन होती है लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद अगर आपके यहाँ शब्दों का आदर करने की संस्कृति और तहजीब है तो इन रकावटों को फैलांगते हुए भी आप कुछ ऐसा दे सकते हैं जो आपके नाम से जुड़कर आपका अपमान नहीं बनता। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आपके नाम से जुड़ करके आपको अपमानित महसूस ना हो हाँ पिछले तीस चालीस साल से आप फिल्मों के लिए लिख रहे हैं करीब सौ से ज़्यादा फिल्में हो चुकी होंगी हो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी, लिए जी, आपने जी. गीत लिखे हैं और बहुत अच्छे गीत लिखे हैं आपने आपने एक बात कही कि बहुत सारी चीज़ों से गुजर करके फिल्म गीत बनता है उसमें संगीतकार भी होता है उसमें स्टोरी भी होती है सिचुएशन भी बताई जाती है प्रोड्यूसर भी होता है डायरेक्टर भी होता है और उनके सामने दर्शक भी होते हैं और उसके बीच में आपका कवि भी होता है तो ये जो समझौता होता, होता है ये कितना मुश्किल होता होगा ये इसे समझौता नहीं कहें तो बेहतर ही है क्योंकि इसमें जो बड़ा रोल प्ले करता है वो भाषा का रोल है तो मेरे जो जैसे मैंने अपनी पोइट्री में भी अपने लिए जो सेट किए हैं आइडियल उसमें कबीर दास हैं उसमें रहीम हैं उसमें सूरदास हैं इन लोगों की जो ये जो सूफ़ी और संत कवि हैं इनकी भाषा ये है कि जो एक साथ बर्गर या पीपल के नीचे बैठे हुए गवा गंवार आदमी से लेकर लाइब्रेरी में चश्मा लगाकर तक का उनका रेंज है। हर, हर एक आदमी अपने अपने स्तर पे लेता लेता है समझ लेता है अब जैसे कबीर दास गुजर रहे हैं किसी कच्चे मकान में से घुड़ घुन की आवाज आ रही है चक्की की जो दो पाट की थी और कबीर वहीं से शुरू हो गए कि चलती चाकी देख, देख कर दिया, दिया। कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को जैसा हम देखेंगे कि अब हमारे इस गीतों में कौन कौन बच पाता है साबुत जब फिल्मी दुनिया के बीच में आ जाते हैं लेकिन इस बीच पुणे से सुनील कुछ पूछना चाहते हैं आपसे पहले वो पूछ लें जी सुनील बोलिए क्या पूछना है आपको हेलो जी जी हाँ मैं सुनील जुन्नरकर बोल रहा हूँ हाँ फरमाइए पुणे से नमस्कार नमस्कार जी हाँ तो मेरे आप जो गीत लिख रहे हैं जी उसमें रिमिक्स हो रही है आपको कैसा लगता है फिर क्या हो रही है रीमिक्स के बारे में गया हो रही जाए आप जो नहीं देखिए ये रीमिक्स का मसला जो है ये गीतकारी के मसले से अलग का मसला है मुझे लगता है कि पोस्ट मॉडर्निज़्म में एक रिक्रिएशन का प्रोसेस है यानी पास्ट को दोबारा रिक्रिएट करना ये साहित्य में भी होता रहा है कि साहब प्रेमचंद की होरी को लेकर एक नई कहानी बना दी गई तो इसी तरह मुझे लगता है कि अतीत में वर्तमान की चमक दमक पैदा करते हैं अगर तो आप यू रिक्रिएट ये एक्सेप्ट करता, करता हूं तो ये जो बात आपने उनसे कही मैंने जानता कि उससे कितने लोग सहमत हो पाएंगे क्योंकि ऐसा विषय जिस पर और बात होनी चाहिए लेकिन इस बीच पन्ना मध्य प्रदेश से चंद्रमान सेन कुछ पूछना चाहते हैं चंद्रमा आप पूछिए क्या जवाब है आपका हेलो जी आ, मैं चंद्रभान सेन पन्ना से बोल रहा हूँ मेरा निवेदन ये है कि वर्तमान में हमारे यहाँ राष्ट्रीयता की कमी आ रही है और नैतिकता गिर रही है तो मेरा निवेदन है कि ऐसे गीत लिखे जाएं फिल्मों से हट करके अगर आपको समय मिले इससे राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके क्योंकि हमारे समाज में जो जोश राष्ट्रीय गीतों से होता था उसमें कुछ हमें कमी लग रही है कृपया निवेदन है देखिए आपने जो राष्ट्रीयता की बात की और नैतिक मूल्यों की बात की इसके बारे में ये कहूँगा मैं कि अगर आपके पास जहन है और खुली हुई आँखें हैं तो संसार में सुबह से शाम तक हर चीज़ आपको सिखाती है और आपको नैतिकता का रास्ता बताती है चिड़िया आकाश में उड़ रही है कोई गली किसी के रास्ते में मुड़ रही है कोई च्योंटी शक्कर के दाने की तलाश में है सबके अपने अपने काम हैं इन कामों में ही अगर आदमी अपने काम पर ध्यान दे तो मेरे ख्याल से देश और राष्ट्र की बहुत बड़ी है एक फिल्म के राइटर हैं मेरे खार के मकान के सामने रहते थे नाम नहीं लूँगा मैं उनका एक दिन मैंने देखा कि वो सुबह साढ़े सात बजे अपने घर के सामने की सड़क को साफ कर रहे हैं अच्छा मुझे ताजुब हुआ मैंने कहा साहब आप इतने बड़े राइटर हैं फिल्म के और आप ये सड़क साफ कर रहे हैं वो रुके उन्होंने कहा कि निरा साहब अगर सब अपने घरों के सामने की थोड़ी थोड़ी सड़क साफ करते रहे तो पूरा देश साफ हो जाएगा क्या बात है मतलब ऐसे अच्छे आदमी का नाम आप क्यों नहीं लेना चाहते उनका नाम भटनागर yes, सतीश भटनागर है यस सतीश भटनागर साहब यदि अपने घर के सामने की सड़क साफ करके एक सपना दे सकते हैं कि हम सारे देश को साफ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हर व्यक्ति अगर अपना काम करे तो नैतिकता कोई बात सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है बहरहाल दिल्ली से नीरज कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मुझे नंबर नहीं आया पूछने का नीरज बोलिए जी नीरज जी ये गोपाल बहुत, बहुत नमस्कार।, नमस्कार जी जी कैसे है आप आपको बहुत दुआएं हमारी है आपका तो बहुत परिपक्व है आप किस चीज़ का आप जैसे और भी सज्जन है जो इतना अच्छा लिखते हैं और हमें मौका मिलता है इतना बढ़िया आपका जो आप कलाम पेश करते हैं तो इस वलगरिटी के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज वाली देखिये वलगरिटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है आप अगर मेरे किसी गीत के हवाले से कोई बात पूछें तो मैं उसका जवाब दूँ प्रोफेशनली इट इज़ नॉट गुड फॉर मी टू कमेंट ऑन अदर पोइट्स पर एक जागरूक नागरिक के नाते आप ये नहीं कहना चाहेंगे कि जिस तरह की चीज़ें फिल्मों में आज दिखाई देने पहले भी दिखती थी अब ज़्यादा दिखाई देने लग गई हैं जिसे वल कह रहे हैं वो उसको डिफाइन करना जरूर मुश्किल हो सकता है लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा ऐसा नहीं लगता आपको देखिए बात दरअसल ये मुझे ऐसा लगता है कि जब शरद चंद के देवदास में देवदास के हाथ में तमंचा आ जाए और पारो के हाथ में खंजर आ जाए तो गीत जो है गीतकार के साथ डर के भाग जाता है कहानी से गायब हो जाता है अब क्या होने लगा है कि हमारी कहानियों में जो पहले सिचुएशन होती थी जैसे राज साहब की फिल्मों में खास तौर से आ, मुझे याद आ रहा है कि एक बार राज कपूर साहब की एक फिल्म थी बीवी और बीवी मैं उसमें गाने लिख रहा था फाइनल रिहर्सल हो रहा था आर डी वर्मन के यहाँ तो देखते क्या है कि उस रिहर्सल में दो बजे के वक्त राज साहब हाथ में भील भूरी लिए हुए अंदर कमरे में दाखिल हुए और गीत सुन रहे फाइनल रिहर्सल में और गीत कले बहुत अच्छा है जी बहुत अच्छा है और जब गीत खत्म हो गया तो मुझे अपने पास बुलाया कि आपको सिचुएशन किसने सुनाई थी तो पास बैठे हुए थे तो रणधीर कपूर मैंने कहा इन्होंने जी अगर आपको फुर्सत हो तो कल चैम्बूर में हमसे भी सुन लीजिए सिचुएशन अच्छा आर डी समझ गया कि ये गीत गया आर डी ने मुझे अलग बुला के कहा कि देखो धुन जो है तुम्हारे जहन में है अगर तुमने अकलमंदी से वही के वही जो राज साहब ने कहा गीत लिख दिया तो गीत रिकॉर्ड होगा नहीं तो नहीं तो ये गीत गया ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर की अपनी कुछ अपनी हाँ, जरूरतें होती हैं जरूरते जो वो करना चाहते हैं तो राज साहब ने अंग्रेजी में तीन सेंटेंस बोले देयर इज अ गर्ल देयर इज अ बॉय देर बादे गर्ल देर बादे बॉय देयर विल बी अ गर्ल विल बी अ बॉय एंड दैट इज द होल लाइफ मैंने वहीं बैठे हुए आरडी की बात याद थी कि सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है एक ही तो लड़की है एक, एक ही, ही तो लड़का, लड़का है।, है।, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया राज साहब ने कहा यही हमें चाहिए <laughs> आपके इस पे प्यार हो गया की बात पर हम आगे बहुत लेंगे लेकिन भिवानी में तुलसी खंडेलवाल कुछ पूछना चाहते हैं जी तुलसी पूछिए क्या सवाल है आपका हेलो हेलो हाँ तुलसी जी बोलिए तुलसी जी बोलिए हेलो तुलसी साहब जी मैं आ, हम ये पूछना चाहते हैं सर कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए या आपकी शुरुआत कैसी हुई क्षेत्र में फिल्मी क्षेत्र में हाँ जी एक बिहार के क्लासिकल पोइट हैं उनका नाम है शार अदीम अबादी शार उनकी एक पंक्ति है मैं खुद आया नहीं जाया गया, गया हूँ हुआ ये था कि जब मैं बंबई में आया तो बेघरबार का आदमी था स्ट्रगलर था धर्मवीर भारती धर्मयुग में थे वो कुछ हेल्प करते रहते थे लिखवाते रहते थे घर कोई ठिकाना नहीं था लेकिन रेडियो स्टेशन अखबारों के दफ्तर और पत्रिकाओं के ऑफिस में एक मैसेज मिलती थी कि निदा फाजरी साहब से मैं मिलना चाहता हूँ और नीचे कमाल मालम अच्छा मुझे समझ में नहीं आता था उस जमाने में दीवानगी किताब लिखना चाहिए कविता लिखना चाहिए आर्टिकल लिखना चाहिए फिल्म क्या होती है कोई समझ में नहीं आता था तो स्ट्रगल का पीरियड था कमाल मरवी साहब का नाम बहुत बड़ा था मिलने चला गया अच्छा उनकी शख्सियत को से पहली बार रूबरू हुआ वो एक लफ्ज भी अंग्रेजी का नहीं बोलते थे और वो जुबान बोलते थे जैसे बंबई में आके मैं ख़ुद भूल गया था अच्छा आप हो रहे थे थोड़े थोड़े जी हाँ उन्होंने कहा मैंने कहा साहब आपने मुझे याद किया कि जी आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाना है ओहो, मैं चौंका मैंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ तो एक जुमला बोला कह लगे कि देखिए फिल्मी शायरी और होती है और अदबी शायरी और होती, होती है फिल्मी शायरी के लिए आपको मेरे मिजाज की पहचान बहुत जरूरी है जानेसार अख्तर मेरे मिजाज को पहचान गए थे अल्लाह को प्यारे हो गए मैंने कहा मैं ये शर्त पूरी करने वाला नहीं हूँ <laughs> तो पहचानना जरूरी नहीं था अल्लाह को प्यारे होने के लिए शर्त नहीं थी मैं ये शर्त पूरी नहीं करूँगा <laughs> लेकिन आप जो सिचुएशन बताएंगे क्या क्या सिचुएशन का अब सिचुएशन का वक्ती तर्जुमा मुझसे भी नहीं हुआ मैंने कहा मौका है <laughs> पर <महाधिर थे। laughs> तो उन्होंने दूसरे ने कहा था कहानी में जो जगह है मैंने कहा वो बताएं आप तो मैं लिखूंगा यहाँ से मेरी शुरुआत हुँ। 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 थी। कौन सी फिल्म थी पहली आपकी आ, रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान लेकिन रजिया सुल्तान के शुरू होने और बनने होने में बनने में इतना वक्त था कि उस दौरान मैं और भी कई फिल्में लिख चुका था इस गीत के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है ये आवाज जो अपने रंग ढंग की फिल्म इंडस्ट्री में अलग आवाज थी ये कब्बन मिर्जा साहब मिर्ज़ा जो रेडियो पे थे जो रेडियो पे थे जिनकी अभी हाल में देहांत हुआ इस आवाज को कमाल अमरूवी ने पिंडी बाजार के एक इमाम बाड़े में सुनी थी इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा लेकिन अशोक मुंबई से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अशोक बोलिए क्या सवाल है आपका हाँ जी जी हाँ विश्वनाथ जी जी बोलिए नमस्कार और निदा फाजली साहब को भी मेरा नमस्कार नमस्कार आप दोनों साहित्य के और समाज के एक दर्पण कह सकते हैं आधार स्तंभ कह सकते हैं बैठे हुए हैं मेरा दोनों से एक जिज्ञासापूर्ण सवाल है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो आज या तो समाज दरक गया है या दर्पण में कहीं दरार आ गई है जिससे की न तो वो इस तरह की शायरी रही न वो इस तरह के गीत रहे गीतकार रहे आखिर इसके पीछे निदा क्या कारण समझते हैं निदा बोले। एक सवाल तो मैं आपसे ये करूँगा कि जो सुनाया जाता है वही साहित्य नहीं होता सुनाए जाने के पीछे जो पुस्तकें होती हैं किताबें होती हैं हाँ जी वो भी साहित्य होता है दूसरी बात ये कि हमारे समाज में ये सोचना पड़ेगा के शब्द का कितना महत्व तो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है मुझे एक कब्रिस्तान याद आ रहा है सांता क्रूज में जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब भी दफन है मधुबाला भी दफन है और साहिल लुधियानवी भी, भी वहीं आराम फरमा रहे हैं मधु मार्केट में चेहरे की कीमत ज़्यादा थी तो मधुबाला की कब्र जो है मार्बल की है बाजार ने आवाज़ की कीमत भी बड़ी रखी थी मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र जो है ग्रेनाइट की है साहिर की कब्र शब्द की कब्र थी जिसकी मार्केट में हमारे बाज़ार में ज़्यादा महत्व नहीं है इसलिए पांच बरसातों के बाद वो ज़मीन बन गई है निदा आपने बात बहुत मार्के की कही है लेकिन हम इस शब्द की कब्र के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे कि क्या कारण थे कि ऐसी स्थितियां बाजार में बनती जा रही हैं कि शब्द की कीमत कम हो जाए लेकिन इस बीच धुलिया से आरिफ शाह पूछना चाहते आरिफ आरिफ बोलिए क्या सवाल है आपका जी मेरा सवाल यह है इंसान के जिंदगी में कुछ ऐसा वक्त आता है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि खुद ब खुद उनके दिल से कुछ पंक्तियां निकल आती है क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई वक्त आया था और वो निकली हुई पंक्तियां कौन सी आया तो था कि हमारे देश में जो खेल होता रहता है उस खेल तमाशे में मुझसे मेरा घर छीन लिया गया था इन दर सिक्सटी फाइव ग्वालियर में।, में तो उस समय जो दुख था बेघर होने का और अकेले हो जाने का उसने मुझे प्रेरणा दी और उसको मैंने कई जगह लिखा भी है प्रोज में भी पोइट्री में भी और जब कभी समय मिलता है उस दर्द को एक पूंजी की तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका एक छोटा सा स्वरूप मिल सकेगा ये शेख व अगर समाज में से दो करेक्टर निकाल दिए जाए तो समाज बड़ा पुरसकून हो जाए ये शेख बिरहमन हमें अच्छे नहीं लगते आहा। ये शेखो बिरहमन हमें अच्छे नहीं लगते हम जितने हैं ये उतने भी सच्चे नहीं, नहीं लगते, लगते। क्या बात है बहुत अच्छे तो कटक से सुशांत कुछ पूछना चाहते हैं आपसे जी बोलिए सुशांत साहब हेलो जी आपका गाना कौन सा है सुपरहिट गाना कौन सा है जाना चाहते हैं? जो आपको लगता मुझे जो लगता है और <laughs> आपको जो लगता है उसमें अंतर होगा लेकिन कई गाने हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि काफी मशहूर हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कभी तो कभी कहीं कभी जमी तो कभी कहीं, तो कहीं आसमा नहीं मिलता या रफी साहब का आखिरी गाना है जो उषा खन्ना ने कंपोज किया था तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जहाँ भी जाऊँ यह लगता है तेरी महफिल है क्या बात है जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी में तो आपकी इस महफिल में, में हम लोग जो कुछ बात कर रहे थे शब्द की वैल्यू घट रही है आपने कहा बाजार में और उसका नतीजा हम देख रहे हैं जो पहले एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि किस तरह सिनेमा में विकृत गीत आते जा रहे हैं इस बारे में आपका क्या ख्याल है क्यों ऐसा हो रहा है कि शब्द की वैल्यू कम होती जाए जबकि शब्द को हम बहुत ताकतवर मानते रहे हैं शब्द जो है वो दो तीन तरीके के हैं मुझे कभी कभी डर लगने लगता है कि आज के युग में जो पॉलिटिक्स है वो हैज़ बिकम ए प्रोफेशन और उस पॉलिटिक्स ने जो सबसे बड़ा गुना किया है वो यह है कि मेरे शब्दकोश में जो शब्द थे अपने अर्थों के साथ उन शब्दों से उनके अर्थ छीन लिए हैं अब शराफत में शराफत है ना इंसानियत में इंसानियत है ना मोहब्बत में मोहब्बत है और अब मुझे जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे शब्द खोखले मुझे महसूस होते हैं और मैं मेरी लड़ाई दो तरह दो तरह की है एक तो खरे शब्द की तलाश और दूसरा ये अपने शब्द से छीने हुए अर्थों को दोबारा शब्दों को लौटाना आप इस लड़ाई की बात में करूंगा लेकिन इस बीच सुबोध से इन कलकत्ता से कुछ पूछना चाहते हैं सुबोध बोलिए क्या सवाल है आपका हेलो सर सुबोध सिंह को आदाब है यहाँ हम कलकत्ता से बोल रहे हैं हमें जी इनकी किताबें यहाँ कहाँ मिल सकती हैं कोई जानकारी दे सकते हैं आप कलकत्ता में जी ये देखिए मेरी पुस्तकें ज़्यादातर देवनागरी में जी वाणी प्रकाशन दिल्ली ने छापी हैं फिर नेशनल ने छापी हैं वाग देवी बीकानेर ने छापी हैं और भी ऐसे कई पब्लिशर्स हैं अब जाहिर है कि कलकत्ता में जो हिंदी पुस्तकों की दुकान होगी उससे आप जब बात करेंगे तो वो इन पब्लिकेशन हाउसेस के नाम जानते होंगे और कलकत्ता में जब वो पुस्तक मेला लगता है तो वहाँ भी ये सारी किताबें आती हैं हिंदुस्तान भर की आप जरा तो सी कोशिश करेंगे तो मुझे निश्चित विश्वास है कि आपको पुस्तकें मिल जाएंगी बहरहाल हम लोग शब्द की तो शक्ल को वापस लाने की बात जो आप करते थे जो संघर्ष आप बता रहे थे कि जो अर्थ छीन लिए गए हैं और राजनीति को आपने दोषी ठहराया है तो क्या सिर्फ राजनीति ही शब्दों की ताकत को या शब्दों की शक्ल को बिगाड़ने का एकमात्र कारण है या राजनीति की ही दोषी है मुझे जो राजनीति के बारे में एक ब्रॉडर सेंस में कहा है मैं किसी पार्टी या किसी जमात या संस्था के बारे में नहीं कह रहा एक इजरायली पोइट हैं यहूदा आमिर खाई जब उन्हें अपने साहित्य पर एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला तो उनसे पूछा था एक इंटरव्यू लेने वाले ने कि क्या कारण है आज के बाजार युग में जबकि हर चीज़ की कीमत आकी जाती है आप शायरी करते हैं क्या रोल है इसका शायरी का आज के युग में तो उन्होंने कहा था प्रोटेक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोटेक्शन ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की हिफाजत और उसके आगे बढ़ाते हुए कहा था कि इस संसार में जो थोड़ी सी सुंदरता बच गई है इसको मारने के लिए चारों तरफ से राजनीति घेरा डाले हुए है इसीलिए आज साहित्यकार को उस सुंदरता की हिफाज़त करना चाहिए सुंदरता से उसकी मुराद थी घर आंगन का सुकून, सुकून। मोहब्बत का जुनून बच्चों स्कूल जाते बच्चों की मुस्कुराहटें चौके में बैठी हुई माँ के चेहरों की जगमगाहटें आंगन में घूमती हुई बहनों की चूड़ियों की खनखनाहट आपकी कविता तो यहाँ भी आ रही है हम इस पर बातचीत करेंगे हम कि किस तरह साहित्यकार इस सौंदर्य को जीवन के सौंदर्य को बचाने की कोशिश कर पा रहा है इस बीच आपके शहर ग्वालियर से प्रदीप दुबे कुछ पूछना चाहते हैं जी जी फरमाइए प्रदीप बोलिए क्या पूछना है हेलो प्रदीप हेलो जी हाँ सर मैं सबसे पहले आप लोगों से नमस्कार करना चाहूँगा नमस्कार।, नमस्कार जी हाँ ये मेरा सब एक छोटा सा सवाल था जैसा कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है क्या सन चालीस से लेके और जो सत्तर का मधुर संगीत का मतलब येरा रहा है एज रही है क्या वो कभी अपने आप को दोहरा सकता है क्या ये संगीत की बात करना चाहते हैं कि 40 और 70 के लिए अच्छा संगीत था मीठा संगीत नहीं ये तो आप ग्वालियर से क्योंकि बोल रहे हैं गवालियार <laughs> जो है वो पंडित शंकर राव का ग्वालियर है उस्ताद हाफिज़ अली खान का गवालियार है उस्ताद अमजद अली ख़ान का गवालियार है, का गवालियार है मैं अगर आपसे पूछूँ कि वो वो युग जो मैंने अपने बचपन में उस्ताद हाफिज अली खां के सरोद में देखा था जो युग मैंने पंडित शंकर राव की गायकी में देखा था वो बाद में आपको देखने को मिला समय बदलता है मैं ये कह रहा हूँ कि समय बदलता है और समय के साथ हमारी सोच भी बदलती है हमारी पसंद भी बदलती है मुझे लग रहा है संगीत अब भी है लेकिन हम कही ना कहीं ना कहीं, ना कहीं जैसे साइकोलॉजी में एक बीमारी का नाम है कंडीशन तो वी गेट कंडीशन आज भी आप रिक्शा वाले को देखिए ऑटो रिक्शा वाले को या टैक्सी को और ड्राइवर की उम्र के हिसाब से देखिए कि अगर वो पचास से ऊपर का है हुँ. तो सैगल साहब की आवाज़ और मोहम्मद मौ, की और तरफ महमूद की उससे छोटा है तो एआर रहमान के म्यूजिक से जुड़ा हुआ होगा दरमियान में है तो वो खजाम के गाने गा रहा होगा तो मेरा ख्याल से समय जो है गतिशील है और महात्मा बुद्ध ने सही कहा है कि सबसे बड़ा यथार्थ जो है वो परिवर्तन है लेकिन इससे बड़ा यथार्थ यह है कि परिवर्तन भी परिवर्तित होता है लगातार विकास है परिवर्तन एक क्रमिक विकास अपने आप में के लिए हमें हमें समय के साथ बदलना चाहिए ओल्ड ग्रीक में एक आ, कहानी है कि एक आदमी भागा जा रहा है उससे पूछा क्यों भाग रहे हो भाई पहले के क्यों नहीं भागू समय मेरे पीछे है समय मेरे पीछे है अगर मैं रुकूंगा तो समय आगे निकल जाएगा दिक्कत तो ये है कि आज समय हमसे आगे भागता दिखाई देता आ, है और फिर हम उसका पीछा कर रहे होते हैं आ, और इसमें समाज थोड़ा पिछड़ जाता है एक बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे आप मुझे अगर गलत नहीं है तो आपकी पहली किताब का नाम था शब्दों का पुल ऐसा कुछ था इसने छापी थी नेशनल पब्लिकेशन ने शायद तो आपके बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि आप भी एक पुल हैं वैसे तो साहित्यकार पुल होता ही है जी, जी। लेकिन आप इस माने में पुल हैं कि आपने दो जबानों को जोड़ा आपने हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उनको जोड़ने की कोशिश की साहित्य की या फिल्मों की इस काम में क्या भूमिका होनी चाहिए या क्या भूमिका है इस समय इस बारे में क्या कहेंगे आप देखिए सामाजिक दायित्व की बात है ये पहले भी कहानियां होती थी महबूब खान भी बनाते थे आसिफ भी बनाते थे प्यासा जैसी फिल्म भी बनती थी रेनु जी की कहानी पर तीसरी, तीसरी कसम कसम भी, भी बनी थी तो कहानी थी और जब कहानी थी तो उसमें समय की रवानी भी थी और सोच विचार की जवानी भी थी बाद में हालांकि उनमें भी कॉमर्स थी लेकिन कॉमर्स और समाज का एक संतुलन था एक सामंजस्य था बाद में क्या हुआ कि कॉमर्स ज्यादा हो गई संतुलन बिगड़ गया संतुलन बिगड़ गया अब मालूम पड़ रहा है कि अक्सर यूरोप में जाना हुआ है मेरा तो वहाँ के जो दर्शक हैं जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं और अंग्रेजी ही सीखते हैं वो जो कह यहाँ की जो गंभीर सक्सेसफुल कॉमर्शियल फिल्म है वो कह वो उन्हें कॉमेडियन फिल्म समझते हैं <laughs> ये समझ की बात थी क्योंकि समंदर में घोड़े दौड़ रहे हैं हाँ। एक आदमी पचास को मार रहा है वो जम मार के छत पे चढ़ गया छत से नीचे उतर आया तो बच्चे तालियां बजाते हैं जब ये सीन आते हैं सही बात है इस बीच अहमदनगर से फोन पर कन्हैया लाल बैठे हुए हैं मैं चाहता हूँ उनसे बात कर लें पहले आप कन्हैया लाल जी बोलिए क्या बात करनी है आपको नमस्ते साहब नमस्ते साहब अहमदनगर से कनियालाल का आदाब आदाब जी साहब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ पहले के गीत हेलो जी गी, पहले के गीत और आज के गीत जी, जो गीत आज हैं, तो हम चंदी दिनों में भूल जाते हैं और पहले के गीत जो है याद रहते तो थे। बरसों याद रहते हैं आज भी याद है आज भी गुनगुनाते हैं वो तो आज ऐसा क्यों है कि नए जो गीत हैं वो चंदी दिनों में हम भूल जाते हैं उसका कारण क्या है तो गीत है ना उसका कारण यह है कि आपके एल्बम में जो आपके दादाजी हाँ जी। और आपकी दादी जी की जो चित्र है ना हाँ हाँ। वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं हाँ। राइट ना हाँ हाँ। इसी तरह आपके जब पोते और नवासो होंगे हाँ। उन्हें आपकी वेशभूषा और आपका चेहरा और आपकी आंखें बहुत अच्छी लगेंगी समय बदलता है और ऐसा नहीं है कि आज सभी गीत ख़राब लिखे जा रहे हैं ऐसे भी गीत हैं जो अच्छे हैं और साहित्य की दृष्टि से भी अच्छे हैं मैं अपने बारे में कोई बड़ी बात तो नहीं करूंगा लेकिन मैंने अपने पॉसिबिलिटी तक गीतों में शब्दों का एहतराम किया है और गीतकारी का, का काम किया है मैं जैसे अभी एक फिल्म आई थी सुर हुँ हुँ। इसके लिए मैं महेश भट्ट साहब और एम एम करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दे गिव मी फ्री हैंड टू राइट द सॉन्ग द वे आई वांटेड टू मैं हूँ आसमां तो जो खास बात है कि एक सुबह का प्रतीक बनाकर इसके बारे में आपसे बाद में करूंगा जी क्योंकि जी बेंगलोर में फोन पर बैठे हुए जमीर अहमद साहब पहले उनकी बात सुन लीजिए फिर आबीजा की बात करूंगा मैं जमीर साहब बोलिए क्या सवाल है हेलो हेलो आदाब मैं आपसे आपको टीवी पर भी देखता हूँ और आपसे तो बेंगलोर में भी सुना मुशायरे बहुत शानदार मुशायरा था जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जी आ, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि हिंदी फिल्मों में और हिंदुस्तानी फिल्मों में उर्दू का मुकाम जो है आजकल वो नहीं है जो पहले था जी अब इसके बारे में कुछ बताइए आप मतलब भाई साहब ये सवाल जो है ना ये भाषा विज्ञान का सवाल है मैं जहाँ तक अपने विचार की बात करूँ कि लिंग्विस्टिकली हिंदी एंड उर्दू आर नॉट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत में एक ही भाषा को दो बना दिया लिपियों के स्तर पर दो बना दिया गया तेरहवीं में जो अमीर खुसरो हुए हैं जो हिंदी और उर्दू दोनों के गॉडफादर कहे जाते हैं उनकी भाषा का रूप ये था कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संघ तन मेरा मन पियू का दोनों बहे एक रंग ये लैंग्वेज जो है बढ़ती हुई से हुई से गुजरती जब गोलकुंडा पहुंच रही है तो वहां पर मोहम्मद कुली कुतुब शाह वो पहले गजल के शायर कहे जाते हैं उनकी भाषा का रूप है गजल लैनी तुझे मस्ती सुहावे के तुझ नैना ते टुटते चांद तारे तो भाषा का ये रूप है जो आंचलिकता से जुड़ा हुआ था अब आगे जाकर जब आपने आरी चलाई तो इस आरी की राजनीति को बौद्धिक वर्ग ने भी स्वीकार कर लिया जो गलत था आज भी जब मैं ये कहता हूं कि मैं जा रहा हूं रिटिन इन पर्शियन स्क्रिप्ट इट इज कॉल्ड उर्दू और अगर देवनागरी में लिख तो दिया जाए तो मालूम पड़ा हिंदी हो जाता है अच्छा जहाँ स्क्रिप्ट का खेल नहीं होता तो मेहंदी हसन की आवाज में और जगजीत सिंह की आवाज में वही गजल स्वीकार कर ली जाती है तो मेरे ख्याल से हमें इतिहास से रोशनी लेना चाहिए राजनीति और पॉलिटिक्स के खेल तमाशे से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए उर्दू हो या हिंदी हो मैं उसे गांधी जी के शब्दों में हिंदुस्तानी कहूँगा और फिल्म की भाषा हिंदुस्तानी भाषा है जो पूरे देश में हर जगह समझी जाती है और वही भाषा अपने प्रारंभिक रूप में कबीर की थी वही रहीम की थी रहीमन धागा प्रेम का मत दी जो चटकाए तोड़े से फिरना जुड़े जुड़े, 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 ये भाषा जो है आज भी चल रही है अब मेरी भाषा जहां तक कर, मेरी भाषा सवाल है कविता का तो मेरी भाषा ना चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाती है ना माथे ना पे तिलक लग लगाती, लगाती है।, है वो सिर्फ बच्चे के स्कूल जाते बच्चे के बैग में बैठ कर स्कूल जाती है और बच्चों के साथ मुस्कुरा एक खास सहजता है आपकी भाषा में जो हम देखते हैं आपके शेर सुनते हैं तो बड़ी आसानी से समझ में भी आते हैं उनमें उर्दू जिसे आप उर्दू मान लें या ना माने लेकिन वो भाषा है वो हिंदी भी है कुल मिलाकर जैसे आपने हिंदुस्तानी कहा और सहज समझने वाली भाषा और जैसा कि आपने कहा न साहब की भाषा के नाम पर लड़ाने की बातें अलग होती हैं लेकिन भाषा तो जोड़ने का माध्यम है एक आपकी फिल्म का गीत था सरफरोश में जो कुछ गीत आपके हैं मुझे लगता है भाषा की दृष्टि से उनमें कुछ आ, खासियत थी होश वालों को खबर क्या बेखुदी ही क्या, क्या चीज किस तरह से भाषा को आपने एक ऐसा अर्थ दे दिया जो लोगों को बहुत सहज रूप में समझ में आ जाता है लेकिन इस बीच नितिन सुखदेव अमरावती से कुछ पूछना चाहते हैं नितिन पहले आप सवाल पूछिए नितिन जी बोलिए सर, सर मैं आपसे जी सर आपकी कलमेशन की बारे में आप क्या कहना चाहिए कोई लिखा, आपने ऐसा लिखा तो है एक गाना था फिल्म तरकीब थी उसमें यह था की दुपट्टे का पल्लू किधर का किधर है जवानी का आलम बड़ा बेखबर है तो मुझ पर एतराज़ हुए और कई लोग इंटरव्यू लेने आए कि आखिर आपने ऐसा क्यों लिखा तो मैंने कहा कि हुजूर आपने शायद शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हैं या नहीं पढ़े नहीं मालूम लेकिन शेक्सपियर के ड्रामों में जो कैरेक्टर्स हैं हर कैरेक्टर का अपना एक सोशल लेवल है, है कोई लॉर्ड है कोई क्लाउन है तो जाहिर है कि इसी तरह ड्रामे में भी अलग अलग कैरेक्टर होते हैं अगर करेक्टर होटल में गाने वाली है तो वो निराला का गीत या मिर्जा गालिब की गजल तो नहीं गाएगी सही बात है वो तो यही गाएगी जवानी का आलम बड़ा बेखबर है का है।, है। और इस बात को जनता ने तो स्वीकार कर लिया जो पत्रकार हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार मुझसे सवाल पूछते रहे उसका कारण साहब के आपकी एक अपनी इमेज है जिस तरह के गीत आपने लिखे जिस तरह के थॉट आपने दिए अपने गीतों में उनको लेकर के पत्रकार या लेखक लोग कुछ सोचते थे लेकिन एक बात मैं इस संदर्भ में ये पूछना चाहता था कि जब आप फिल्मों के लिए लिखते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके भीतर का कवि जो है उसको दबना पड़ रहा है समझौते करने पड़ रहे हैं नो no. बल्कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई सिचुएशन जब मुझे नरेट की गई तो मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जितना भी पढ़ा लिखा है साहित्य को विभिन्न भाषाओं में कि ऐसा जो बात है ऐसा विचार जो है ये कहीं अभी तक आया नहीं है तो मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है तो अगर आंख खुली हुई हो जहन खुला हुआ हो तो आदमी चलते रहते पेड़ों के लहकने से भी सीखता है चिड़ियों के चहकने से भी सीखता है और कोई मस्ती में जो बहक रहा है उसके बहकने से भी सीखता है तो मुझे लगातार ऐसा महसूस हुआ है कभी कभी कि ये ऐसी सिचुएशन मसलन ये जो गीत है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता ये कमाल अमरूबी साहब इस्तेमाल करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और बीच में इस्माइल शराफ एक डायरेक्टर थे उनका नाम फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो नरेट की सिचुएशन के एक ऐसी लड़की है जो किस्मत से कुछ ऐसी है कि वो है जो होना चाहिए था उसे ये पूरा नेचर का सिस्टम है मेरा एक मतलब आयाल का कि कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी चैन से जीने की सूरत न हुई जिसको चाहा उसे अपना ना सके जो मिला उससे मोहब्बत मोहब्बत हुई। हुई। इस बारे में बात करेंगे हम लेकिन इस समय कछौली गुजरात से मयूर नायक कुछ पूछना चाहते हैं मयूर बोलिए क्या है सवाल जी जी नमस्कार नमस्कार जी मैं आपके काफी <coughs> गजल सुनता हूँ धन्यवाद आपसे डायरेक्टली बात हो रही है बक्केसाली मानता हूं कि आप जैसे बड़ी हस्ती आप जैसे गुणी आदमी से मुझे बात करने का मौका मिला शुक्रिया तो जी मेरा आपसे सवाल है कि आपके गीत में जो गहराई होती है काफी है, बहुत बढ़िया गहराई और जो आपको प्रेरणा और जो साहित्य आप कहां से उसको लाते हैं ऐसा मैं पूछने का है। आ, आपकी प्रेरणा क्या होती है भाई साहब मुझसे <coughs> पहले और गालिब के युग से पहले एक पोएट हुए हैं उनका नाम है मीर तकी मीर उनका एक मशहूर शेर है कि हमको शायर न कहो मीर के साहब हमने दर्दों काज किए जमा तो दीवान हुआ तो बात दरअसल ये है कि कि फराक साहब रघुपति साहब फराक हमारे देश के बहुत बड़े पोइट थे उन्होंने कहा था कि सोचने बैठे तो इस दुनिया में एक लम्हा गुजारा जाए सोचने बैठे तो इस दुनिया में एक, एक लम्हा गुजारा जाए आई सफर बिकॉज आई थिंक यानी अगर आप सोचने वाले जहन है तो आपको जगह जगह ठेस पहुँचती है एक परिभाषा और भी है आई एम बिकॉज आई थिंक यस तो होना और अपने अपने भोगना इस होने को गालिब ने बड़ा अच्छा कहा था कि न था कुछ तो खुदा था हाँ। कुछ हाँ। ना होता तो, तो खुदा होता डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता <laughs> अब होना वो <laughs> अस्तित्व के अर्थ में ले रहा <laughs> निरा साहब संजीव कुमार झा ओडिशा से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे संजीव बोलिए क्या सवाल है आपका जी फरमाइए हेलो जी मैं ओडिशा से संजीव कुमार झा बोल रहा हूँ जी बोलिए निरा जी से थोड़ा सवाल करना था जी सर आपने जगजीत सिंह लिए गजल लिखा है जी साइट में जैसे आप कहा गए हम गज़ल सुनते हैं तो वो थोड़ा सा गज़ल सुना दीजिए वो वाला दोहा जो मैं रोया प्रदेश में भीगा माँ का ओहो मैं रोया प्रदेश में टेलीपैथी जो है साइंस तो बॉडी मॉडर्न है लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता जो है वो शताब्दियों पुराना है मैं रोया प्रदेश में भीगा माँ का प्यार दुख ने दुख से बात, बात की बिन चिट्ठी बिन था, बिन था।, था। क्या बात है क्या भावना है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस चीज़ की शुरुआत पाकिस्तान में हुई थी जब आप पाकिस्तान गए थे आप पाकिस्तान जब मैं गया था एक मुशायरे में विश्वनाथ जी तो मैंने वहाँ दो शेर पढ़े थे वो शेर ये थे कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए घर में बिखरी हुई चीजों को घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो योग कर ले कर किसी रोते हुए बच्चे, बच्चे को, को हंसाया जाए तो जैसे ही मैंने स्टेज से उतरा तो दो तीन दाड़ियों ने मुझे घेर लिया <laughs> और मुझसे <laughs> पूछा आप कहना क्या कह चाहते हैं <laughs> क्या बच्चा मस्जिद से बड़ा है <laughs> मैंने कहा ये तो नहीं मालूम कि कौन बड़ा है कौन छोटा है लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि मस्जिद को इंसान के हाथ बनाते हैं और बच्चे को खुदा के हाथ सजाते हैं क्या बात है क्या बात है खुदा के हाथ से तो खुदा की वो भी उसमें भी खुदा ही है आपने फिल्में कुछ पाकिस्तान के लेकिन वहाँ की पॉलिसी हाँ, के हाँ। लिहाज से वो दिल नहीं बन पाया वो गाने तो रिकॉर्ड हो गए उसमें गाने वाले भी हिंदुस्तान के थे गाना लिखने वाला मैं यानी वो भी हिंदुस्तानी था लेकिन वहाँ नाम मेरा नहीं दिया गया और गाने वालों का नाम भी नहीं दिया गया इस बार उन्होंने यकीन दिलाया है और मुझे लाहौर बुला के गाने लिखवाए हैं खुले आसमान के नीचे और ये कहा है कि अब माहौल अच्छा हो गया है अब आपका नाम भी जाएगा अब, अब आपका, गाना नाम भी जाएगा।, जाएगा मैंने कहा नाम अगर बदनाम ना हो तो जरूर दे दीजिए कोई एक आध पंक्ति सुनाना चाहेंगे आप जो अभी लेटेस्ट आप लिख करके आए हैं पाकिस्तान की किसी फिल्म के लिए ये तो एक राज की बात है नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है चलिए ये घर की बात है घर में नहीं रहे, रहे, रहे तो अच्छा चलिए अगर आप इसे बाद में रहस्य के रूप में रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें साहब मौका होली का है और होली एक ऐसा त्यौहार है हमारे यहाँ जो आपसी मोहब्बत का त्यौहार कहते हैं ऐसे हम लोग आदमी अपने गिले शिकवे भूल जाए आदमी अपने आप की सारी कमियों को भूल जाए और कमियों के के माध्यम से अपने आप को उजागर करने की कोशिश करें कुछ ऐसा माहौल होता है होली का आपने भी कुछ इस बारे रंगों में लिखा होगा त्यौहार है और इसे मैं सच और झूठ के संघर्ष में सच की विजय का त्यौहार मानता हूँ और ये सच और झूठ का संघर्ष हर जगह हर धर्म में हर युग में होता रहा है और जहाँ जहाँ सच विजयी हुआ है उसका त्यौहार इसी तरह रंगों से शराबोर हुआ है मैं इसके लिए सिर्फ एक दो दोहे सुना दूंगा मैं कि चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान चाहे गीता बाचिए या, या पढ़िए कुरान मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान सीधा साधा डाकिया हुँ हुँ। जादू करे महान सीधा साधा डाकिया करे, करे महान करे एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान, मुस्कान। क्या बात है मैं समझता हूँ कि आज की इस बातचीत को अगर मैं यही ख़त्म करना चाहूँ कि जब ये पता लगे कि एक ही थैले में आंसू और मुस्कान है तो मित्रों निरा साहब के माध्यम से हमने उनकी फिल्मों की बात तो सुनी उनकी भाषा की बात भी सुनी और वो एक संदेश भी सुना जो वो देना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपने साहित्य के माध्यम से कि आंसू और मुस्कान एक ही थैले में है हमें उन दोनों को साथ लेकर के चलना है और आंसू के ऊपर मुस्कान हावी हो जाए इसकी कोशिश लगातार करते रहना है यही जीवन होता है निदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप, आप बार शुक्रिया बार